दोस्तों, जंग और दुनिया भर से जुड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां सबसे पहले बात की जाएगी कि किस तरीके से ईरान, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर के अमेरिका का जीना हराम कर दिया है। वहीं हिजबुल्ला के हमलों से इजराइल कांप उठा है और कह रहा है कि पहली मर्तबा इतने बड़े हमले हमारे ऊपर किए गए। वहीं ईरान ने भी मोसाद के 12 जासूसों को गिरफ्तार करके एक अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं नॉर्वेजियन फुटबॉलर ने इजराइल के ऑफर को ठुकरा करके एक ऐसी लात मार दी है जिसकी मिसाल जितनी दी जाए उतनी कम है। जहां सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं कि हिजबुल्ला का इजरायली ठिकानों पर नए इंतकामी हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। जहां हिजबुल्ला ने इजराइल मिलिट्री ठिकानों पर अपने ताजा इंतकामी हमलों की तस्दीक करते हुए बयान जारी किया है। ये हमले गाजा पट्टी में फलिस्तीनी अवाम और उनकी जरूरतमंद मकवमत की हिमायत में किए गए थे। हिजबुल्ला के बयान में ये कहा गया कि उनके लड़ाकों ने रॉकेट से इजरायली अल बगदादी बेस को निशाना बनाया, जो बहुत दुरुस्तगी के साथ अपने मकसद पर लगा हुआ था। ऊपरी गलील के मयान बरूच बेस और कब्जे में ली गई शेबा फार्म्स के एक रडार साइट्स को भी रॉकेट और तोपखाने के गोले से निशाना बनाया गया है। अलमर्ज बेस पर एक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया, जिससे एक टैंक तबाह हो गया है और वहां तैनात जायूनी फौजियों ने जानी नुकसान भी उठाया है। वहीं हिजबुल्ला ने लेबनानी शहरियों पर इजरायली हमलों को बेजवाब नहीं छोड़ा और जुल्म के जवाब में मकबूजा इलाके के उत्तरी हिस्सों में जायूनी बस्ती और वहां मौजूद इजरायली फौजी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये इंतकामी हमलों में तेजी जो है वो हिजबुल्ला ने इख्तियार की है। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़े तो ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों ने अमेरिका को तंग कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि ईरान, चीन, रूस और उत्तरी कोरिया के बढ़ते रिश्तों ने अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन देशों का गठबंधन अमेरिकी प्रभुत्व और प्रभाव के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जहां ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने का लाभ उठाने में माहिर था, जिससे उसका प्रभाव बना रहता था, लेकिन यह प्रतिबंध अब उल्टा असर दिखा रहा है, क्योंकि ये देश तेहरान, बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रिपोर्ट ने केन्या के पूर्व संयुक्त राजदूत मार्टिन केमानी के हवाले से कहा कि वैश्विक मंच पर उभरती हुई शक्तियां अमेरिका की एक तरफावाद को बर्दाश्त नहीं करती और बहुपक्षवाद को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे अमेरिका का प्रभुत्व तेजी से लगातार घट रहा है। इसी तरह अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने विश्लेषण में यह बताया कि रूस गैर पश्चिमी गुटों के साथ संबंध गहरा कर रहा है, ताकि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। जो दादागिरी थी अमेरिका की, वो ईरान, रूस और चीन ने मिल करके निकालना शुरू कर दिया है। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो ईरान ने 12 मौसाद के जासूसों को धर दबोचा है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी पासदार फौज IRGC ने इस बात का खुलासा किया और बताया कि ताउन करने और मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी इस बयान में कहा गया कि गिरफ्तारियों का मुल्क के 6 मुख्तलिफ सूबों में अंजाम दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी का वक्त मालूम नहीं किया गया। तो वहीं IRGC ने यह भी दावा किया कि इजराइल और उसके मगरीबी हमनवा, खास तौर पर अमेरिका, गजा और लुबनान में अपने मनहूस मंसूबों में नाकाम रहे हैं। अब वो ईरान के अंदर सलामती का बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ये बयान उस वक्त आया है जब जुलाई के आखिर में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के तेहरान में एक साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था, जिसका इल्ज़ाम ईरान ने हुक्मरान इसराइल के ऊपर लगाया था।
पर ये एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली, ईरान की तरफ से बड़ा एक्शन है। तो वहीं चौथी खबर की बात करें तो वेस्ट बैंक में नहीं रुक रहा इजरायली फौज का आतंक, जहां यह जानकारी दी जा रही है कि महज 24 घंटे के भीतर इजरायली कब्जे वाली सेनाओं ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम 20 फलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुराने कैदी भी शामिल हैं। और कैदियों और पूर्व कैदियों की आयोग और फिलिस्तीनी प्रिशनर्स सोसाइटी ने एक संयुक्त बयान में यह कहा कि हालिया गिरफ्तारियां अल खलील, जेनिन, कलकिलिया, अल कुदूस और कई प्रांतों में हुई हैं, जिनके साथ व्यापक छापे और आक्रामक हमले भी शामिल थे, जिनमें कैदियों और उनके परिवारों के खिलाफ धमकियां भी दी गईं। पीपीएस और आयोग की पुष्टि की 7 अक्टूबर से कब्जे वाले वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों की कुल संख्या अब 10,800 से अधिक हो गई है। इस संख्या में वे लोग शामिल हैं जो अपने घरों से सैन्य चेक पोस्टों पर दबाव में आत्मसमर्पण करने वाले और जिनका अपहरण किया गया है इजरायली फौजियों द्वारा। ये लगातार आतंकवाद देखने को मिल रहा है इजरायली फौज का गजा वेस्ट बैंक के अंदर। वहीं पांचवी खबर की बात की जाए तो नॉर्वेजियन फुटबॉलर ने इजरायल को लात मारी है और इजरायल को उसकी औकात दिखाने का काम किया है, जहां नॉर्वेजियन फुटबॉलर ओले सेटर ने बुधवार को इजरायली क्लब मेकाबी हाइफा में स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ उनकी मजबूत नैतिक आपत्तियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोजे बर्ग के खिलाड़ी को क्लब में शामिल होने के लिए लगभग 91 लाख डॉलर की पेशकश की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे खाते में खून की कमाई आए, ये एक बुरे सपने की तरह होगा। सेटर ने नॉर्वे के चैनल टीवी 2 को बताया कि 28 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि हालांकि वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता। ये एक ऐसा देश है जिसे मैं न तो नैतिकता से और ना ही मूल्यों से प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, उन्होंने जोर देकर के कहा कि मैं खून वाली कमाई अपने अकाउंट में नहीं ले सकता, जिसमें यह बता दिया कि इंसानियत कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। वहीं छठी खबर की बात करें तो हिजबुल्ला के हमले से क्रियात शमोना छोड़ करके भाग रहे हैं इजरायली। इसका खुलासा खुद लेबनान चैनल अलमायदीन के संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करके कहा है। रविवार को इस्लामी प्रतिरोध द्वारा किए गए अभियानों में फायर किए गए रॉकेटों से क्षतिग्रस्त होने वाले एक घर में एक इजरायली पैरापट्रूपर रह रहा था, जिसने क्रियात शमोना के बस्ती से भाग निकला। वह संवाददाता ने यह बताया कि प्रेपा ट्रूपर ने तनाव बढ़ने पर अपनी परिवार को क्रियात शमोना से निकाल लिया था और अब जिस घर में वे रह रहा है वे आज हमले का शिकार हो गया, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी जा रही है। और यह बताया जा रहा है कि असर अब इसराइल पर भी हिजबुल्ला के हमले का होने लगा है। वहीं सातवीं खबर की बात की जाए तो यूएन ने एक फॉर द फ्यूचर ट्रस्ट अपनाया है, जिसके चलते उसने कहा है यूएन महासभा ने रविवार को सर्वसम्मानिति से पैक्ट फॉर द फ्यूचर को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक वैश्विक डिजिटल कॉम्प्लेक्ट के भविष्य पीढ़ियों के लिए घोषणा भी शामिल है। ये व्यापक पैक्ट वैश्विक शासन को बेहतर बनाने और मानवता के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, तकनीकी सुविधाएं और युवाओं तथा भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार शामिल हैं। इसमें इन मुद्दों से निपटने के लिए कार्य योजनाएं भी शामिल की गई हैं, जिसमें महासभा के अध्यक्ष फिलमोन यांग ने इस अपनाए गए पैक्ट प्रशंसा करते हुए इसे तत्काल संकटों से निपटने का संकल्प लिया है और एक स्थायी न्यायपूर्ण शांति वैश्विक व्यवस्था की नींव रखने का साधन बताया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है।
वहीं आठवीं खबर की बात की जाए तो यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या रूस के हमलों में कम से कम 13 लोग घायल हो गए हैं। रूस का बड़ा हमला जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर जारी है, जहां रूस के हवाई हमले के बारे में बताया गया कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर में कम से कम 13 नागरिक घायल हो गए हैं। एक 15 वर्षीय लड़का भी शामिल है, जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार बचाव कर्मियों ने अपनी क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट इमारतों से निवासियों को निकाला है। और मंत्रालय ने टेलीग्राम पर मैसेज देते हुए कहा कि इसकी जानकारी रूस से ज़ापोरिज़्या पर कैब निर्देशित हवाई बमों का उपयोग किया गया है। वहीं नौवीं खबर की अगर बात करें तो लेबनान ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जहां संघर्ष की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी बमबारी जो है वो दर्ज की गई है हिजबुल्ला की तरफ से, जहां इजरायली सेना ने सोमवार को लेबनान में हिजबुल्ला के लक्ष्यों पर एक और बड़े पैमाने पर हमले करने की सूचना दी। सुझाव दिया गया कि अपने युद्ध लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए एक जमीनी हमले की आवश्यकता थी और वो हमने करके दिखाया है। जमीनी हमले हिजबुल्ला ने किए और आसमानी हमले इसराइल ने किए। लगभग एक साल पहले हिजबुल्ला के साथ संघर्ष की शुरुआत के बाद से इसराइल द्वारा एक साथ किए गए सबसे व्यापक बमबारी थी, जो गाजा युद्ध के साथ समांतर हो रहे हैं। ये हमले पिछले एक साल में सबसे भारी सीमा पर गोलीबारी के बीच हुए हैं, जहां सेना ने हमलों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। पर अल अरबिया के स्रोतों के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दक्षिण लेबनान के निवासियों से हिजबुल्ला के ठिकानों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला शुरू किया जब उसे इसराइल पर हमला करने का इरादा पहचानने में आया। एक रिपोर्टर द्वारा ये बताया गया कि लेबनान में इसराइली जमीनी आक्रमण के संभावित के बारे में पूछे जाने पर हगारी ने कहा कि हम जो आवश्यक होगा करेंगे, ताकि इसराइल के निकाले गए निवासी सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सके, जो इसराइली सरकार की युद्ध की प्राथमिकता बनी हुई है। जहां अब इसराइल के सबसे बड़े चीफ ने भी ये मान लिया कि हिजबुल्ला के हमले से हम अपने लोगों को नहीं बसा पा रहे। वहीं दसवीं खबर की बात करें तो अमेरिका के देश मुस्लिम शहर के जो मेयर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। हैमट्रेक मिशनगिरी गालिब ने कहा कि वे नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं। गालिब ने रविवार को कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार प्रिंसिपल के आदमी हैं और सही चुनाव है, भले ही कुछ मुद्दों पर उनके बीच असहमतियां हों। गालिब ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि मैं और राष्ट्रपति ट्रंप हर बात पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि वे एक प्रिंसिपल के आदमी हैं। हालांकि ये अच्छा लग रहा है वे चुनाव जीत सकते हैं या नहीं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे इस महत्वपूर्ण समय के लिए सही चुनाव हैं। मैं अपने निर्णय पर पछतावा नहीं करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, और मैं परिणामों का सम्मान करने के लिए तैयार हूं। गालिब ने यह भी कहा कि अब काफिला अपनी यात्रा शुरू करने दो, ये तो बस शुरुआत है। ट्रंप ने घोषणा के तुरंत बाद गालिब के समर्थन को अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर फिर से साझा किया और बताया कि ट्रंप कितने महान आदमी हैं। जहां दुनिया भर की खबरों में हलचल मची हुई है जंग को लेकर के, जहां रूस और यूक्रेन की भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, और दुनिया भर से जुड़ी हर एक खबर आप लोगों के साथ यूं ही लेकर के हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।